गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर डिरुमा 46। अयो क्यों वो चल रहा है, दांत दर्द की वजह से नींद बहुत मुश्किल से हो रही है मेरी, तो इसलिए चलो आज चलते हैं अभी निशा पार्लर के पास। निशा पार्लर में मैं अपना रूट टचअप और देखता हूँ आईलैशेस या नेल्स करा सकूं, देखते हैं क्या क्या होता है। ज़्यादा रेट होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, बजट नहीं है उतना मेरे पास। फिर भी लो सर मैं साल में एक बार जैसे है, मेरा कौन सा डेली मैं करता नहीं हूँ, देखते हैं। अभी जी भी बहुत कुछ, अभी जी अभी वॉशरूम में है, तब तक मैं करके आता हूँ, फटाफट काम हो जाए। आज कल निकलना है हम लोग को, सुबह 8 बजे की ट्रेन है, हमें 5 बजे तक पहुँचना है। पहुँच के पहले एंजल का पूरा काम करना है। अयो बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। अच्छा मेरे को ना सर में बहुत सारे ये हो गए डैंड्रफ ना, कितना भी धो यार, ठंड में डैंड्रफ होता ही है डेली में ना, बहुत लोगों को होता होगा, मेरे को तो बहुत हो रखा है डैंड्रफ। अच्छा रूट टचअप के पास शायद चले जाए, थोड़ा कलर कर लूँ, पता नहीं कितना रेट बोलेगी क्या है, अब पता चलेगा निशाबाद जाके ही। तो गाइस आप लोग बने रहना, आज कोई फिर से कोई मेकअप नहीं लगाया मैंने, कुछ मेकअप नहीं लगाना चाह रहा हूँ मैं, देखते आई लैशेस लगाऊँ या ना लगाऊँ। स्टे ट्यून्ड, यहाँ पे वो डॉगी डेंजर वाला बैठा है, डॉगी रेंजर वाला बैठा है वहाँ पे, डर लगा मेरे को इसलिए यहाँ से जाता हूँ। ज़्यादा ठंडी तो नहीं लगी, कहाँ जा रही है? हाँ अकेली, ये रही मेरी फ्रेंड, अकेली जा रही है किस लिए? मेरी प्यारी सी फ्रेंड है, प्यारी सी, कभी कभी मिलती है, अच्छी लड़की है बहुत। चलो 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 मैं ठंडी बाहर ज़्यादा ठंडी नहीं होगी इसलिए मैंने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं पहना। रोड का काम चल रहा है शायद यहाँ पे ना, पंजाबी बस्ती में कुछ ना कुछ होते ही रहता है यार। आज धूप धूप देखने मिला मेरे को, सुबह सुबह धूप मिल गई, राह नाले का काम होते रहे हैं। जाना है यहाँ से निशा पार्लर, मैं कब से वहाँ से निकली होती मेरे गली से तो मैं पहुँच भी जाती, और क्या पता वो कुत्ता ने काट लिया। तो पहले मैंने शॉर्ट पैंट पहने, रश तो होगा नहीं, मैंने पहले ही निशा को बोला था कि मैं आऊँगा, कल से वेट कर रही थी वो मेरा, कल भी नहीं जा पाई मैं। ये रोड तो बहुत लोगों को याद होगा ही, निशा पार्लर। ये रूट टचअप तब एक काम हो गया है, रूट टचअप उजले बाल खत्म हो जाए, बुढ़िया ना दिखूं बस। ओ था दाश अच्छा सो मिक्स है की युरुंगु चलो शिरा और दिरेश इंचु वर्ष निशा
लैशेस करना तो मेकअप छू मिल गया मेरे सोनिया। अभी खा रहा हूँ मोमोस और चौमिन। बहुत भूख लग गई। अभी नेल्स बचे हैं मेरे, तो पहले खा लूँ। बहुत भूख लगी है। ये देखो इनकी आई लैशेस कितनी सुंदर लग रही है ना। अब चल रहा है नेल। नेल दिखाओ। अभी यहाँ हो रही है फाइलर। फाइलर कर रहे टिप लगा के। अभी जब हम प्रोडक्ट करेंगे, नहीं ऐसे ही कैमरा ऐसे ही, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब आपको रिटर्न दिखाएंगे। बाय। सबका आज है नीचा कैमरा छे नाजिश आलेशिस छे चा छे सेमू सेमूल है। निशा आठ है। निशा आज आठ है। निशा का कमाल है, इतने दिन से गैरेज में नहीं आया था, आज गैरेज पहुंच गया तो सुंदर हो गया, रिपेयर हो गया। डिडुमा 46 अगेन। स्टे ट्यून गाइस। अब जा रहा हूँ मैं चूहा लेने के लिए। बहुत टाइम हो गया, विजय वैसे ही लेट कर रहा है। 4 घंटा 5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे। मैं कुछ भी हो निशा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आज लग रहा है असली रूप में आ गया मेरी डुमा। इतने दिन से घर में बैठ बैठ के पागलों की तरह हो गई थी। गाइस मैं घर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मेरा आंखें और मेरा नाखून और मेन करके विजय यहाँ पे है। विजय कुछ नोटिस कर रहे हो? कैसा लग रहा हूँ मैं? नोटिस कर रहा हूँ और क्या करूँ, दिख रहा है साफ साफ। क्या दिख रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। बाल काटने के लिए किसने बोला तुम्हें? पूछा था मैंने, मेरे को पूछा तुमने बाल काटने के लिए? बाल कहाँ काटा मैंने? झूठ मत बोलो। कहाँ से कटा? दिख रहा है? कैसे दिख रहा? दिखा ये उसने ड्राई किया हुआ है। झूठ मत बोलो। कहाँ? ये भी कटिंग किया हुआ है, साफ नजर आ रहा है पूरा कटिंग वटिंग का। ड्राई किया हुआ है इसने? बाल कट नहीं किया, उतने ही लेंथ है। देखो तो मेरा यहाँ तक था ना। किसी और के साथ करो, मेरे साथ नहीं। मैं अच्छा नहीं लग रहा। बाल बिना पूछे काट के आगे मैं बोलू ना, अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? मैंने कलर नहीं कराया, बस रूट टचअप उतना ही कराया जान। हाँ वो पता है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, कलर नहीं कराया मैंने, दिख रहा है, पता है। वही तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, वो नहीं बोला कि नहीं लग रहा है। बाल काटने के लिए किसने बोला तुम्हें? बस ये पूछो, पूछा मेरे को। वो नीचे के बाल जल रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा काट लिया। नाखून बनाने के लिए तो पूछा कलर कौन सा बनाना है उनके, बाल काटने का टाइम में पूछा नहीं। कोई नहीं, ये तो घर की खेती आ जाएगी ना जान। सही बात है, घर की खेती है जान, आ जाएगा। घर की थी, घर की थी, घर को की थी, मेरे बच्चों घर को की थी, आ जाएगा है ना गाइस, आ जाएगा ना, घर की खेती है, आ जाएगी बाल है ना, ना मेरे बच्चों। मैं ना नहीं, नीचे ना बाल जला हुआ तो इसलिए काटा है, मैंने नहीं काटता सच्ची में, अगली बार नहीं काटूंगा। ऐसा ला ला ला, हम बोलो ना, हम बोलो ना, हम बोलो ना, स्माइल करो तो। चलिए अभी चलो। ओके स्माइल दे दो एक प्लीज, प्यारी वाली। कितना चुपना लग रही मेरी जोन, कितना क्यूटी पॉइंट लग रही मेरी जोन। गलती करके मना नहीं रहा हूँ, मैं सच में। देख लो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना बिना मुझके।
बाबू मेरे चुनो मेरे चुनो मेरे चुनो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं छुआ लेने के लिए, ओके तो आप लोग बने रहिए और मेरा थोपड़ा देखते रहिए। और मम्मा को एक बैग चाहिए, मम्मा के लिए एक बैग लेना है। मम्मा बोलिए कौन सा बैग, पता नहीं आ रहा, देखता हूँ। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मेरा हेयर स्टाइल और मेरा नाखून और मेरा लैशेस कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद है ना सर, बहुत टाइम बाद कराना हमने। हम लोग कब आए थे शिलोंग से, तब है ना, शिलोंग से आए तब से बात कुछ नहीं कराया था मैंने, मेरा थोपड़ा, हाँ मेरा थोपड़ा वही था। तो हमें मॉर्निंग 5 बजे निकलना भी है गाइस, कैसी हालत होगी पता नहीं है। अभी पहले निकलते हैं, ओयो खुजा रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गाइस स्टे ट्यून्ड। ये वाला नीचे, ये वाला ग्रेट है, 800 700 ये चुवा घर पे भी कर सकती थी ना, चेक कर ले फिटिंग, तो घर पे भी किसी चीज है फिटिंग, यहाँ पे देखूंगा ना घर पे, मैंने सिलाई मशीन खोल थोड़ी ना रखी, क्या पता। नए कपड़े का गंदा करने मानना पड़ेगा इसका, मैचिंग है अच्छा लग रहा है, वो दीदी ने सिलाया उनको, नाखून की वजह से बैठ नहीं रहा है इसलिए, फिर फिटिंग कर दे जरा अपन, अच्छा लगा। ये मैंने ना ऐसे बनाओ बोला था उसको, इतना बोला था, हाँ पाउच बनाने के लिए बोला था। ओह कौन कपे भैया, नहीं वैसे ये अच्छा लगा, गाड़ी भी दिखाई देगी आपकी। सीधा बस ना ले ले जान से बाहर, अच्छा है ना, ज्यादा वजन से लाके पाना नहीं, एक ही में पहनना है ना, तो मैंने एक बस से ही पहना है, हां अच्छा लग रहा है। तुम्हें गरी गिफ्ट में मैंने बता सबको, गाइस बताना कि मेरा छुआ कलेक्शन कैसा था। इस बार मैंने बहुत सिंपल वाला लिया है और इतना प्यारा, दोनों भेजेगा भी सेम है, उसको भी आ जाएगा वो, उसको तुम्हें तुम्हारा साइज देखो, मैं साइज देखो, तो कुछ ओके। हमने छुआ ले लिया है अपना, फिटिंग भी चेक करा लिए, सही है। अभी जा रहे हैं मम्मा के लिए बैग लेने, बहुत रश है पंजाब बस्ती में, बहुत ज्यादा रश है, और एंजू इतनी चंचल है ना, रोड पे सही से नहीं चल रही, कुत्ते पीर लग रहे हैं इसके, बहुत बुरे हालत खराब होगी, अब देखना है इंजो, चंचल है देखो ये, इतनी चंचल है इतनी, इंजो यहाँ पे बैग लेना। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं हम, जो काम था बाहर का हो गया है, सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि हमें 2 बजे निकलना है, 5 बजे नहीं 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है, तो और थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया है मैंने, मजा आया, मैं मारू। सो गाइस मैंने थोड़ा सा शॉपिंग किया है, देख लो ये मम्मा को लफिंग बेचने के लिए सही है बैग ना, चिल्लर डालने के लिए, तो ये लिया मैंने, वो 200 बोला था मम्मा ने, जो पहले लिया था 250 दिया था, बार्गेनिंग किया नहीं पता नहीं, मैंने दिया इसको 150, बार्गेनिंग किया था,
तो 150 दिया इसको, और छुआ ले लिया है, और कुछ अभी आते हुए ना सामान लिया मैंने चोनी चोनी की, चोनी नहीं दूसरी दुकान से, चोनी की जो बाजू दुकान है ना उनसे। जाने खोलो तो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल ही जाने, जैसा मेरा प्यार ही प्यार तुझे किया ही। मेरा राउंड मेरा मुंह गोल है ना तो बाल भी सूट कर रहा है। थैंक यू निशा अगेन, निशा ने बहुत सुंदर बना दिया मेरा। कुत्ते का मांस नहीं ले जाए तो अंदर कितनी कर सकती है, लेने जाना है। अभी जाऊंगा पहले आपको ये सब दिखा के फिर जाऊंगा मैं। ये एक खम्बू लिया है मैंने, खम्बू मैंने खम्बू बोला था ये लिया, और मैंने खजूर बोला था, मेरे को समझ नहीं आया, वहाँ पे चिपेरियन बहुत लोग है, अभी पूरा फुल है पंजाब, इसकी पुलिस भी आगे चिल्ला रहे। तो ये है खजूर, इसको खजूर बोलते हैं मम्मा, खजूर को वो नहीं पता था, खसूर दे रहा था मैं, वो समझ में नहीं आ रहा, हम चिपेरियन में खजूर बोलते हैं इसको, तो इसलिए तो खजूर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक दीदी को पूछा, उन्होंने दिया ये है बोला, खजूर बोला तो ये खजूर है सूखा वाला ना, तो ये लिया है। और मैंने अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए बोली थी, मैंने सोचा कितना बेटा पाल रखा मैंने वहाँ पे, एक ही बेटा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी उतना अमाउंट नहीं है कि मैं उनको लिए कुछ ज़्यादा ले सकूँ। फिर भी अपनी दिल की खुशी के लिए मैंने ये एक चॉकलेट का पैकेट लिया हुआ है, ये ले जाऊँगा उनको चॉकलेट, सब खाएंगे साथ में। और ये तड़का लिया है, तड़का मम्मा ने तड़का बोला था याद से लिया मैंने, बहुत महंगा है गाइस, बहुत महंगा है इस टाइम पे ना, इसका बहुत महंगा है। ये इतने सामान के लिए मुझे किया 1550 रुपीस, बहुत महंगा है। ये लिया और एक बादाम लिया देसी में डालने के लिए, शायद मम्मा बादाम बोल रही थी, वहाँ बहुत महंगा है बोल रही थी, तो इसने यहाँ से लिया है बादाम। और ये स्पाइसी तीखा तो मैं खा नहीं सकता हूँ, इसका सूप मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कभी भी टेस्ट करिए गाइस, किसी ने टेस्ट नहीं किया हो तो। ये नॉर्मली 12.50 में मिलता है रेलवे स्टेशन, पहले स्टेशन में इससे छोटा 50 वाला मिलता था, अभी शायद इसको 80 या कुछ दे रहे होंगे, इससे छोटा 50 वाला मिलता है, तो इससे अच्छा तो हम लोग खुद ले जाए यहाँ से। 45 रुपीज़ में है ये, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है फिर भी 45 में देते हैं यहाँ पे, तो हमने ये 6 पीस लिया है कि हम लोग खा सके ट्रेन में टाइम पास सूप के लिए। सूप अच्छा है इसका ना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है सूप, तो मैंने ये लिया है। और हमारा आपको पता ही है छुआ, आपने ब्लॉग वीडियो में देख लिया होगा छुआ है, और इतना ही चीज़ लिया है मैंने। ये तो हमारे लिए खाने के लिए है, ये हम अलग से पैक करेंगे अपने बैग में, और ये सूटकेस में तो नहीं बैग में ही जाएगा अभी सब मिल के ना। और सोनम का मिर्ची मत भूलियो, जान से मार देगी मेरे। सोनम ने चिकन वाली मिर्ची मंगाई है, उसके लिए मिर्ची लिया हुआ है, वो ट्रेन में खाते आते जाएगी। उनका उसका और मेरा डब्बा अलग होगा, क्योंकि हम डॉगी के साथ में A1 में होंगे, तो सोनम 3rd AC में होगी। देखते हैं क्या होता है, सोनम हमारे पास आ सकी या हम दोनों में से एक वहाँ जा पाए जहाँ रुकेगी ट्रेन। तो इतना ही है गाइस आज का मेरा व्लॉग, और आप लोग बता देना कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। आज लग रहा है इतने दिन पे, मतलब ये किरकिरी विरकिरी में चल रहा था तो मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाई, आज मेरे को लग रहा है विदाउट मेकअप है, कुछ भी मेकअप नहीं है फेस पे, सिर्फ लिपस्टिक लगाया मैंने निशा के पार्लर से निकलते हुए, लिपस्टिक बैग में ही था तो मैंने लगा लिया, लिपस्टिक ही है, और ये क्या बोलते हैं इसको आईलैशेस है, और बाल मेरा निशा ने अच्छे से किया है, और नेल्स भी बहुत सुंदर किया है, मतलब इस बार मेरा नेल थोड़ा बड़ा हो गया मेरा नेल, कोई बात नहीं हो जाएगा। ओके देन गाइस, यही है आज का मेरा व्लॉग, और मैं अभी भी बोलूँगा आप सब की फैमिली के लिए हैप्पी लोसर इन एडवांस, और खुशी से मनाइए, बिना कोई आप किसी को अच्छा ना कर सको तो बुरा भी ना करो, और जितना हो सके इस टाइम पे आपसे हो सके ना तो थोड़ा
पुण्य कमाने की कोशिश करो, लोगों की मदद करो, बस इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं। और फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताए, और जिस जिसके बच्चे अभी स्कूल वूल जाते होंगे ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। फिर भी मैं चाह रहा हूँ अभी लोसर में जाके मैं उसे टाइम दूँ, उसके साथ खेलूँ कूदूँ घूमूँ। देख रहा हूँ क्या होता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी रहेगा, शायद मुझे टाइम नहीं दे पाएगा वो, ऐसा हो सकता है। फिर भी गाइस मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, जो भी मॉम्स होंगे, डैड्स होंगे, फैमिलीज होंगे, तो अपने बच्चे से अभी, फिर बच्चे जब चले जाएंगे स्कूल तो फिर 10 महीने के बाद ही मिलना होगा, या बीच बीच में जो सामने हो तो चले जाते हैं 10 दिन छुट्टी के, मेरी किस्मत नहीं, मैं नहीं जा पाता हूँ। आप लोग का ऐसे प्यार सपोर्ट रहेगा तो शायद मैं भी जब मेरे बेटे के 10 दिन छुट्टी होंगे मैं उसको मिलने जा सकूँ, ये मेरी आशा है, ये मेरी दुआ है कि मेरा, मैं आगे बढ़ते रहूं, पीछे मुड़ के ना देखूं। और आज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले मेरे को, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व महसूस होता है कभी कभी ना, लोग इतना प्यार करते हैं। मैं फालतू लोगों की बातें सुन के अपने आप को ही गिराते रहती हूँ, तो इसलिए अब मैं ये सब नहीं होने दूँगा। नो वे नेवर ही। मैं अपना अभी फ्यूचर देखना चाहता हूँ, अपना लाइफ अच्छे से चलाना चाहता हूँ। विजय और हम दोनों बस अच्छे से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते और लोगों का रिस्पेक्ट करते आगे जाते रहेंगे। लोग जितना भी मेरे बारे में मीम्स रील वगैरह जो भी बनाना चाहे बना लो, आप लोगों को इसमें खुशी मिल रही है तो आप करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग नफरत से भी मुझे याद करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, हैप्पी लोसर, बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। और विजय बाय बोल, बाय, हैप्पी लोसर, हैप्पी लोसर आप सभी का।